नावा पारुल कुपाड़ ओम प्रकाश उइके मंदा, और वर्तमान समय में GSU इंडिया मध्य प्रदेश में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त हूँ। और GSU इंडिया MP और मेरी ओर से आप सभी को सेवा 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 जोहार। मेरे यह विषय हैं कि जो आज के वर्तमान समय में बोला जाता है, देखा जाता है, सुनने को मिला जाता है कि GSU क्या करती है, इसका कार्य क्या है, तो मैं इसके उद्देश्यों को लेके आया हूँ। तो वर्तमान समय में मैं अभी रामनगर चौगान बेगम महल चिमनीबाई के महल में उपस्थित हूँ। तो जैसा कि आज GSU प्रत्येक राज्य और प्रत्येक जिलों में कार्य अपने तरीके से अपने सहानुभूता से कार्य कर रहा है, तो इसके मुख्यतः उद्देश्य हैं जैसे कि शिक्षा, समाज, संस्कृति। आज शिक्षा की बात किया जाए, आज शिक्षा हमारे ट्राइब्स मूलतः ट्राइब्स में देखा जाए तो बहुत पिछड़ा हुआ है, तो इसको हम बहुत ही अपने ट्राइब्स एरिया में अपने जो छोटे छोटे यूनियन शाखाओं के माध्यम से ट्राइब्स एरिया में इसका हम बेहतर तरीके से मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष बेहतर तरीके से ध्यान देते हैं। जैसे कि प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक की क्लास, जो मूलतः इसको मजबूत किया जाना चाहिए। तो मजबूत इस प्रकार किया जाना चाहिए जैसे ही जो मिट्टी का घड़ा होता है ना, उसी टाइप अगर हमारी जो प्राथमिक शिक्षा रहेगी जो मजबूत होते जाएगी तो हमें मजबूत आगे बढ़ सकते, आगे की ओर मजबूत हो सकते। शिक्षा हमारे मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीगा वो दहाड़ेगा। और रही बात समाज, आज समाज के विभिन्न आज ट्राइब्स में अनेक प्रकार के समाज आते हैं, तो प्रत्येक समाज के अलग अलग नेंग दस्तूर ये सब वर्तमान समय में देखा जाता है, परंतु यह सब कोइतुर विचारधारा के अनुरूप है जो कि हमारे समाज में अलग अलग प्रथाओं को लेके आज मानव जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम समाज को एकजुट करने का कार्य आज की युवा पीढ़ी कर रही है, जो कि बहुत ही बेहतरीन कार्य हम GSU के माध्यम से कर रहे हैं। जो कि GSU एक ऐसा पहल अपनाया है जो कोइतुर विडार को एक जगह एक टोकनी में समेट के साथ में लेके जा रहा है, जो कोइतुर भारत का सपना देखा हुआ। रही बात आज संस्कृति की, तो आज हम संस्कृति, हमारे पुरखों की संस्कृति, हमारा पहनावा, हमारी बोली भाषा पाना पारसी, हमारी कल्चर, हमारे गोदने, हमारे नेंग सेंग, ये सारी चीज़ आज की युवा पीढ़ी भूलते हुए जा रही है। तो GSU इस चरण सीमा पे पहुंच गया है कि हम यहाँ वहाँ से सीख के जो भी है, हम अपने बुजुर्गों से, अपने कैडर से, हमारे जो भी हैं, इस प्रकार से सीख के हम इनको अपना रहे हैं। अपनाने के पश्चात हम घरों में उस चीज़ को लेके चल भी रहे हैं। आज वर्तमान समय में देखा जाए आज की युवा पीढ़ी अपने फैशन को लेके आगे की ओर बढ़ रही है, परंतु जो हमारा जो पुराना रीति रिवाज है, हमारा पहनावा है, बोली है, भाषा है, इन सब को भूल रही है। तो हम उस पर जोर देते हैं ताकि हमारे जो पुराने हैं रीति रिवाज, नेंग सेंग, पेन पट्टा सब लेके चले, और ये जो वर्तमान समय का जो पहनावा है इसको भी लेके चले, मॉडर्न ज़माने के साथ भी चले, ये भी आवश्यक है। पर हमारे नेंग सेंग जब हमारे पेन पुरखों का कार्यक्रम होता है, वहाँ धोती, सोलहत वाली, इस टाइप का पहन के पहनावा के साथ जाना चाहिए। और रही बात कोइतुर भारत, आज GSU का परिवार कोइतुर भारत का सपना देखा है। सच में ये सपना इस पीढ़ी में नहीं तो आने वाली पीढ़ी में ज़रूर साकार होगा, यह मेरा मानना है और मेरा GSU परिवार का मानना है। क्योंकि कोइतुर विचारधारा को अपना के, कोया पुनेम को अपना के जीवन यापन अगर हम करेंगे तो सत्य है कि राह में चल के शायद हम कोइतुर भारत का सपना साकार कर सकते हैं। आज वर्तमान समय में जो परिस्थिति है, तो ये कोइतुर भारत अगर होता तो ये परिस्थिति नहीं आती, कोया पुनेम को अगर अपनाते तो ये परिस्थिति नहीं आती। आज वर्तमान समय में प्रकार प्रकार के जो गतिविधियाँ आज विश्व के अंदर चल रही है, आज इस पृथ्वी पर चल रही है, हमारी भूमि पर चल रही है,
ये गतिविधियां हमें देखने नहीं मिलती। इसलिए कोयापुनी विचारधारा को लेके मुझे, आपको और अन्य को, सभी को लेके चलना पड़ेगा, जो कि हमें सामाजिक और सरल स्वभाव से जीवन यापन करना सिखाता है। और जीएसयू और मेरा एक सपना है, जो कि आने वाली जो पीढ़ी है, आज जैसे हम भारत के गुलाम लोग हैं वर्तमान समय में, तो हमारा एक सपना है जो कि आने वाली जो पीढ़ी है वो कभी किसी के पास किसी भी कार्य की सहायता के लिए न जाए, रोजगार के लिए न जाए, संवैधानिक कार्यों के लिए न जाए, ये सारी चीज़ अपने हक अधिकार की चीज़ स्वयं लड़े, स्वयं करे। यह आज की युवा पीढ़ी को हम सिखाते हैं, खुद सीखते हैं और लोगों से सीखते हैं। और रही बात जो वर्तमान समय में चल रही गतिविधियाँ उन पे भी फोकस किया जाता है। अभी यूनियन के माध्यम से बहुत से जगहों से लोगों को लाया गया, ले जाया गया और बहुत ही सहायता किया जा रहा है। और तैरती राष्ट्रीय अधिवेशन में जो लोग आज जुड़े हैं, मुझे देख रहे हैं या सभी को देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत सेवा जोहार और सेवा आभार करता हूँ।